अम्बाला में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब प्रशासन सख्त हो गया है। लोगों की लापरवाही के आगे घुटने टेक रही जिंदगियों को बचाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर में अब पहली बार अम्बाला के पोष इलाकों समेत कई इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बता दें कि इन माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रशासन ने लोगों की आवाजाही पर रोक के साथ कई और पाबंदियां लगा दी हैं, जिसके बाद इलाके में एंट्री पॉइंट्स पर ताले लटके मिले और प्रशासनिक आदेशों के बाद कंटेनमेंट जोन के मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस ने नाकाबंदी भी कर दी। गौरतलब है कि देश भर में कोरोना के कहर के कारण ऑक्सीजन की कमी ने इंसानी जिंदगी की सांसें थामनी शुरू कर दी है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन को लेकर देश भर में मची हाहाकार ने ऑक्सीजन की जरूरत को इतना बढ़ा दिया है कि सरकारें पूरे जोर शोर से ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में लग गई हैं। अम्बाला के नागरिक अस्पताल में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस खतरे को शायद पहले ही भांप लिया था और यही कारण है कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो एक दो दिन में शुरू हो जाएगा। हमने तो पहले ही 6 जिला अस्पतालों में लगाने की मंजूरी दे रखी है और अंडर इंस्टॉलेशन है। और अम्बाला का जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है वो उम्मीद है कल तक चालू हो जाएगा। बाकी जगह पर भी युद्ध स्तर पर उनको चालू करने की कोशिश की जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी ने हर जिले के लिए वो प्लांट दिए हैं, तो बाकी जिलों में भी उनको लगाएंगे और जल्दी चालू कराएंगे। और मेरा प्राइवेट अस्पतालों से भी आग्रह है कि उन्होंने इतने इतने बड़े अस्पताल बना रखे हैं, अपना अपना ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी लगाएं। आपको बता दें कि कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह से तैयार है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। पंजाब के सिटी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।